पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के सातवें दिन की कार्यवाही जारी। पंजाब के बजट सत्र पर चर्चा, विधानसभा में पेश होंगे 9 विधेयक। कैप्टन सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी और अकाली दल का हल्ला बोल, कई मुद्दों को लेकर निकाला रोष मार्च। पराली न जलाने के लिए 40 करोड़ रुपए का प्रस्ताव, भूमिहीन किसानों की कर्ज माफी के लिए 500 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान। पंजाब बजट में स्वास्थ्य मिशन के तहत 1060 करोड़ रुपए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के लिए 3822 करोड़ रुपए मंजूर। सियासी ड्रामा है पंजाब सरकार का बजट, सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का बयान तो नेता विपक्ष हरपाल चीमा बोले, सीएम के प्रधान सलाहकार प्रशांत किशोर ने बनाया बजट, बताया झूठ का पुलिंदा। पंजाब एकता पार्टी के अध्यक्ष सुखपाल खेरा के कई ठिकानों पर ईडी की रेड, सुखपाल खेरा पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप, चंडीगढ़ और कपूरथला आवास पर रेड जारी। बठिंडा में गुनियाना रोड पर गांव गिलपति के समीप मेन हाईवे पर ट्रैक्टर और कार की हुई टक्कर, टक्कर इतनी जबरदस्त कि दोनों वाहन बुरी तरह से हुए क्षतिग्रस्त। पंजाब एंड यूटी मुलाजिमों पर पटियाला में पुलिस की ओर से हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अब संघर्ष मोर्चा मुखर हुआ, मानसा में पंजाब एंड यूटी मुलाजिमों पर संघर्ष मोर्चा ने निकाला रोष मार्च। पटियाला से समाना में आवारा कुत्तों का आतंक, 3 साल की मासूम को नोचा, मासूम की हुई मौत। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही जारी, प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई राज्यसभा, राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा। करनाल में कृषि कानून के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन द्वारा करनाल से शुरू की गई किसान मजदूर न्याय यात्रा। सिरसा पुलिस ने तेल चुराने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश, गिरोह के 6 सदस्यों को पकड़ा गया। केंद्र सरकार की तरफ से बैंक्स के निजीकरण के विरोध में सिरसा में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के नेतृत्व में कई बैंक्स के कर्मचारियों ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा के बाहर किया प्रदर्शन। पानीपत में बस स्टैंड पर सवारियों से पैसे मांगने को लेकर किन्नर गुटों में हुआ विवाद, मारपीट में किन्नर घायल। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का आज 9वां दिन, सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर, 15 अप्रैल को स्वर्णिम रथ यात्रा का शुभारंभ करने का दिया न्यौता। फिरोजपुर में सुरमावली बस्ती की सड़क पर गाड़ी पर हुई फायरिंग, मौके से मिले कारतूस। भारत बांग्लादेश के बीच बने मैत्री सेतु का आज पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन, दक्षिण त्रिपुरा से चटगांव बंदरगाह जाना होगा आसान। श्रीमद् भागवत गीता की पांडुलिपि के 11 खंडों का आज पीएम मोदी करेंगे लोकार्पण, गीता पर एक साथ होगी 21 विद्वानों की दुर्लभ टिप्पणी। संसद भवन में सांसदों का आज से वैक्सीनेशन, सुबह 11 बजे से दोनों सदनों में एक साथ शुरू की जाएगी कार्यवाही। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में ममता बनर्जी को बड़ा झटका, टीएमसी विधायक रविन्द्रनाथ भट्टाचार्य बीजेपी में शामिल। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया आज विधानसभा में पेश करेंगे पहला ई बजट, मुफ्त वैक्सीनेशन पर हो सकता है ऐलान। 13 मार्च को बंगाल और असम के दौरे पर जा सकते हैं गृहमंत्री अमित शाह, सूत्रों के मुताबिक बंगाल की राजनीतिक हिंसा में मारे गए कार्यकर्ताओं के परिवारों से कर सकते हैं मुलाकात। स्टार्टअप में महिलाओं की बड़ी दिलचस्पी, वित्त मंत्रालय ने आंकड़े जारी कर बताया, कारोबार के लिए स्टैंड अप इंडिया और मुद्रा योजना से महिलाओं ने लिया सबसे ज्यादा कर्ज। वित्त वर्ष 2021-22 में बढ़ सकता है भारतीय बैंक्स पर एनपीए का दबाव, फिंच ने कहा जोखिम के डर से बैंक नहीं दे रहे आसानी से कर्ज। सियासत में अपनी एंट्री की अटकलों के बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने तोड़ी चुप्पी, कहा जीवन ने मुझे कई अवसर दिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आईसीसी ने महिला क्रिकेट में की विस्तार की घोषणा। सुशांत सिंह केस में एनसीबी को बड़ी कामयाबी, ड्रग पेडलर अनुज केसवानी को ड्रग सप्लाई करने वाले हेमंत साह उर्फ महाराज समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विराट कोहली ने बेटी वामिका और पति अनुष्का की तस्वीर की साझा। नोमैडलैंड को मिला क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड 2021, चैडविक बॉसमैन को उनके शानदार अभिनय के लिए मरणोपरांत बेस्ट एक्टर का अवार्ड।